हेलो फ्रेंड्स, मैं लीना। आज की हमारी रेसिपी है सेव चटनी। सेव चटनी को हम बच्चों को सुबह टिफिन पर दे सकते हैं और नाश्ते पर भी खा सकते हैं। सेव चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए एक बड़ा कटोरी सेव, एक मीडियम साइज का प्याज, हमने इसे बारीक काट लिया है, एक छोटा टमाटर, टमाटर को भी हमने बारीक काट लिया है, हरा धनिया, दो हरी मिर्च जिसे हमने थोड़ी सी लंबी काटी है ताकि बच्चे अगर न खाना चाहे तो वो निकाल भी सकते हैं, 1/4 टीस्पून यहाँ हमने हल्दी पाउडर लिया है, स्वाद अनुसार नमक और 1 टीस्पून जीरा और लहसुन का पेस्ट है। आइए तो हम बनाना इसे शुरू करते हैं। ऑन किया है, इस बर्तन में हमने तेल डाला है जिसे अब हम गरम कर रहे हैं। तेल हमारा गरम हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे प्याज। अब हम इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। प्याज को तेल में थोड़ी देर पकने देते हैं। अब हम इसे खोल के चेक करते हैं। इसे एक बार अच्छी तरह से मिला लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ टमाटर और थोड़ा सा हरा धनिया। हरा धनिया जो है हमने थोड़ा सा डालना है और थोड़ा सा बचा के रखना है। अब हम इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। अब हम इसे थोड़ी देर पकने देते हैं। इसे हम 1-2 मिनट के लिए अच्छे से पकने देते हैं। अब हम इसे खोल के चेक करते हैं। इसे फिर से अच्छी तरह से मिला लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और लहसुन और जीरे का पेस्ट। अब हम इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। अब हम इसे 1 मिनट के लिए अच्छे से पकने देते हैं, थोड़ी देर ढक देते हैं। अब हम इसे खोल के देखते हैं। अब इसे एक बार मिला लें। हमारे प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची अच्छी तरह से पक चुका है। अब हम इसमें डालेंगे सेव। गैस को आप एकदम स्लो पे कीजिए। अब इसे अच्छी तरह से मिला लें। हमने अच्छी तरह से मिला लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करते हैं। फिर से एक बार अच्छी तरह से मिला लेते हैं। अब हम इसे 1 आधा मिनट के लिए ढक ढक देते हैं
और थोड़ा सा इसे पकने देते हैं। आधा मिनट हो चुका है, अभी हम इसे वापस से खोल के देखते हैं। एक बार और अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। लीजिए, तैयार हो गई हमारी सेव चटनी, विदर्भ वैरायटी सेव चटनी। अब हम इसे सर्विंग बाउल में निकालते हैं। हो गई तैयार सेव चटनी विदर्भ वैरायटी। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, बाय।